ये जो सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर अपना फैसला सुनाया है, आपकी क्या राय है? सो आई थिंक आई एम एग्रीड। ये तो गलत बात है, ये तो सही बात नहीं। तीन तलाक तो होने नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सही है। अब टाइम आ गया कि तुम इजीली किसी को तलाक नहीं दे सकते हो और तुम्हारा इतना कैजुअल अप्रोच टुवर्ड्स मैरिज नहीं होना चाहिए। भारत में तीन तलाक का मुद्दा कई सालों से चलते आ रहा है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों में ये कहा जाता है कि सिर्फ तीन बार तलाक बोल देने से, चाहे वो मैसेज के जरिए हो चाहे वो कॉल के जरिए हो, सिर्फ तीन बार तलाक बोल देने से उनका तलाक को मान्यता मिल जाती है। लेकिन पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए रोक लगा दी और इसे अवैध करार दिया है। आज यहाँ पे मौजूद लोगों से हम तीन तलाक पर उनकी राय क्या है ये जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तीन तलाक पे, आपका उस पर क्या मानना है? बिल्कुल सही फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और ये बहुत पहले ले लेना चाहिए था। ओवर फोन या सामने ऐसे कह देने से तलाक नहीं होना चाहिए। सो आई कम्प्लीटली एग्री, सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा काम कर रही है और इसे ही कंटिन्यू करना चाहिए। अगर वो महिला सशक्तिकरण की जो हम बात करते हैं, अगर इस चीज़ को वो फॉलो करती है तो इट्स वेरी गुड। उनके खुद के रिलीजन में ही इतना साइड कास्ट किया जाता है कि उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो अब अगर ऐसा कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो आई थिंक ये बहुत पेंडिंग था और होना ही चाहिए था। तीन तलाक करना जो है सो बिल्कुल ये गलत है, ये जैसे कानून के खिलाफ है, क्योंकि जैसे तीन तलाक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे तीन तलाक होने लगी तो सारे सब जो है सो ये बर्बाद हो जाएगा, ये सब कुल जैसे परिवार औरतें जैसे कहाँ जाएगी। सर, ये जो तीन तलाक पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो गलत बात है, और क्या कहना है? औरत को शादी करो और उसके बाद बोल दो तलाक तलाक बोलना था, वो तो बेकार की बातें हैं, ये गलत है, तलाक नहीं होना चाहिए ऐसे। सुप्रीम कोर्ट जो बोल रहे हैं और जो आदेश दिया है वो सही है मेरे मायने से। जैसा कि आपने देखा, पूरे भारत में सबका यही कहना है कि जो ये तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो बिल्कुल ही सही है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये जो तीन तलाक का जो मुद्दा है उसको सिरे से हटा देना चाहिए। कैमरामैन जॉली के साथ शावनी पटनायक, न्यूज़ टाइम्स इंडिया।